नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके बारे में। आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है आपके रेलवे ग्रुप डी NTPC जैसे कुछ अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जो है ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो भारत है उसको इंडिया सबसे पहले किसने कहा था। तो इसका सही जवाब होगा यूनानियों। यूनानियों ने हमारे कंट्री को, भारत को, इंडिया कहा था। अगर आप ये जो नोट्स है इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड करके बाद में भी पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा होता है कि हमारे देश को हिंदुस्तान किसने कहा था। तो आपको बता दें हमारे देश को हिंदुस्तान मध्यकालीन समय में जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने कहा था। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो हमें पता लगता है वो मुख्यतः हमारे जो धर्म वेद है और ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह है, या इसके अलावा जो विदेशी यात्री हमारे देश में भ्रमण करने आए थे, या हमारे पास जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले थे, इन चीज़ों से हमें हमारी जो प्राचीन भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में हमें पता लगता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो आपको बता दें हमारे चार वेद हैं। ये चार वेद हैं जिसके वजह से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और आपको बता दें कि इन वेदों के जो रचयिता है उन्हें महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः इनका योगदान था। इसके अलावा और भी कई सारे राइटर हैं जिन्होंने कि वेद को लिखने में योगदान दिया था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लें कि टोटल जो चार वेद होते हैं वो होते ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम एक एक करके इन चारों वेदों के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आपको बता दें कि ऋग्वेद है, इसकी रचना 6000 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है और इसमें टोटल जो है 10 मंडल, ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, इसके अलावा 10,412 ऋचा आए हैं। आपको बता दें कि इसके जो तीसरे मंडल में है, इसके तीसरे मंडल में सूर्य के देवता सावित्री या फिर गायत्री मंत्र जो आपने जाना होगा इनकी व्याख्या की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रचना की तो इसके रचयिता जो है महर्षि विश्वामित्र को माना जाता है। इसके अलावा इसके नौवें जो मंडल है उसमें सोम देवता का भी वर्णन मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुरुष सूक्त की, जिसमें ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी उत्पत्ति क्रमशः मुख, भुजा, जांग और चरण से हुआ था, ये 10वें मंडल में उल्लेखित है ऋग्वेद के। आपको बता दें कि ऋग्वेद है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि ऋग्वेद है सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। अगर ऋग्वेद के बाद किसी पुराने धर्म की बात करें तो वो शतपथ ब्राह्मण है। तो हम ये पार्ट वन में इतना जाने, हम आपको पार्ट टू से रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अगर आपकी इंटरेस्ट होगी तो। और इस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन का मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके इसको स्टडी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।